हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है सुंदरनगर का थर्ड दिन, यानी कि तीसरा दिन जब हम वापस आने वाले थे। तो अभी जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम दोनों रूम से निकले थे दोस्तों 6 बजे, क्योंकि हमारी 7:30 बजे की बस थी। तो हमने सोचा पहले हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मंगवाया था दोस्तों परांठा, तो एक तो आ गया था परांठा मेरी फ्रेंड के लिए, मेरे लिए भी दोस्तों आ गया, और साथ में हमने अचार प्लस दही लिया था, क्योंकि दही के साथ परांठे का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। मुझे तो दही के साथ परांठा बहुत ही अच्छा लगता है खाना। तो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो देख सकते हो आप सुंदरनगर का कूलर है ये, तो हैडपम्प दोस्तों यूनिक चीज़ है गाइज ये। अब तो ये गाँव में भी बहुत कम जगह पर होता हैडपम्प, अब नहीं होता हैडपम्प। तो वहाँ पर ये बस स्टैंड में था दोस्तों। तो ये है सुंदरनगर का मॉर्निंग का व्यू 6:30 बजे का दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है आई लव HRTC, और टी और सी के ऊपर देख सकते हो आप छोटी सी HRTC बस है। और यहाँ पे मुझे ये यूनिक चीज़ लगी, देख सकते हो आप कितनी प्यारी बस है। तो अभी तक हमारी बस नहीं आई है दोस्तों, 7:30 होने को आ चुके हैं, हम बोर हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम एक सेल्फी लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप सुंदरनगर के बस स्टैंड में कितना सारा कूड़ा है, अभी तक यहाँ पे बस स्टैंड की सफाई नहीं हुई है। और हमारी बस अभी भी नहीं आई है दोस्तों। तो गाइज, अभी टाइम की बात की जाए तो टाइम 8:30 हो रहा था, और हमारी बस अभी भी नहीं आई थी दोस्तों। और हम हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया था भाई इतना सुबह के, और मैं दिखा रही हूँ कि बॉटल में पानी ख़त्म हो चुका है। और ना गाइस, इतना गुस्सा आ रहा था ना यार, 6, 7, 8 मतलब 3.5 घंटे हो गए थे हमारे को वहाँ बस स्टैंड में, और हमारी बस आ ही नहीं रही थी दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पानी लेने जाया जाए, तो मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए। तो वहाँ पर होटल में जा रही हूँ मैं, जहाँ पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो मैंने पानी भर लिया है दोस्तों। तो अब मैं वापस जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के पास। और यहाँ से छोटू सा ऑटो, बड़ा प्यारा ऑटो है यार, देख सकते हो आप इतना छोटू सा, इसमें ना 3-4 लोगों के अलावा और कोई आ नहीं सकता है। तो रामपुर में तो बड़े ऑटो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया, उसमें तो बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, इस पर तो नहीं हो सकते। तो हम जाने वाले हैं दोस्तों अब करसोग वाली बस से, पता है क्यों? क्योंकि वो जो रिवालसर वाली बस थी वो नहीं आई थी दोस्तों। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों अब करसोग के लिए जाएंगे। तो अगर वहाँ पे बस मिली हमारे को रामपुर के लिए, तो हम दोनों उस बस में आ जाएंगे। तो दोस्तों, वहाँ से सुंदरनगर से करसोग के लिए हमारे को 5 घंटे लगे, और हे भगवान, इतनी गर्मी थी ना, क्या ही बताऊँ, बता ही नहीं सकती, अपने लफ्ज़ को मैं बयान नहीं कर सकती दोस्तों। 5 घंटे में इतनी हालत ख़राब हो गई ना, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, ऐसा सोच रहे थे हम लोग। तो देख सकते हो वेलकम टू सुंदरनगर, और ये सुंदरनगर लेक है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी लेक है और बहुत ही खूबसूरत जगह है सुंदरनगर। तो आप लोग भी जाए घूमने के लिए सुंदरनगर, पर हम ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम ऐसे करके नहीं घूमे दोस्तों। तो मिलते हैं अब दोस्तों करसोग पहुँच के। तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा सीन दिखा दिया है बीच में इधर उधर का, किसी गांव का, पर मुझे गांव का ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सा गांव था वो। तो वीडियो को एंजॉय करें दोस्तों और एंड तक देखें।
5 hours later. तो दोस्तों फाइनली मैं और मेरी फ्रेंड पहुंच चुके हैं करसोग। तो ये है दोस्तों करसोग बस स्टैंड, और करसोग में भी बहुत गर्मी थी। तो जिस दिन हम वापस आए दोस्तों, तो उस दिन संडे था, तो ज़्यादा शॉप खुली नहीं थी वहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप बस में लिखा है सुरक्षित चलाएं, सुरक्षित पहुँचाएँ। तो अभी बस वाले भैया बस को लगा रहे हैं साइड। तो आगे देखिएगा आपको कि हमको लगी थी बहुत भूख, और यहाँ पे मैंने लिए थे अपने लिए मोमोज। मोमोज उतने अच्छे नहीं बने थे दोस्तों जैसे रामपुर में बनते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने लिया था चाउमीन, और दोस्तों चाउमीन भी अच्छा नहीं बना था। और चाउमीन और मोमो के साथ सूप ही नहीं था दोस्तों, हमें सूप ही नहीं दिया गया, और हमने ना जैसे तैसे खा लिया क्योंकि हमको भूख लगी थी। तो जब हमको होता ना, जब इंसान को भूख लगती है ना ज़्यादा, तो वो कुछ भी खा लेता है दोस्तों, चाहे बुरा बनाओ, चाहे जितना भी बेकार बनाओ, चाहे उसमें टेस्ट हो चाहे नहीं हो, तो ऐसे करके दोस्तों खाना ही पड़ता है क्योंकि भूख लगी होती ना, भूख को शांत करना भी तो ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हमारी रामपुर वाली बस आ चुकी है, तो हम अब जा रहे हैं रामपुर के लिए। Guys, finally हम पहुंच चुके हैं रामपुर बस स्टैंड। प्यारा सा डॉगी, और वहां पर देख सकते हो आप, तो टाइम की बात की जाए तो टाइम बताती हूँ मैं कितना हो रहा है। तो दोस्तों 8 बज रहे हैं अभी, यानी कि 8 बज चुके हैं। तो दोस्तों रामपुर पहुंचने के बाद मैंने ले लिया अपने लिए मिनट मेड ऑरेंज फ्लेवर, जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा गला बहुत सूख रहा था। तो हम दोनों पहुंच चुके हैं दोस्तों रूम, हम ना चाटी गए हैं, हम रजौली नहीं आए क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। तो बताया मैंने आपको कि 8 तो हमको वहीं न्यू बस स्टैंड में ही हो गए थे दोस्तों। तो देख सकते हो आप सोनू है, गुड़िया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।